11 जुलाई 2023 बड़े मंगलवार के दिन करें चार मांग का यह गुप्त उपाय। जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सावन महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था, इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। सावन महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन महीने के बड़े मंगलवार के दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, खास तौर से अगर आप बजरंग बली जी की सबसे पसंदीदा चीज लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने। तो दोस्तों, सिर्फ एक दिन की गई पूजा से आपको जीवन में चल रही हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना होगी वो सिर्फ एक दिन की गई पूजा से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सावन महीना हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है। कहा जाता है कि सावन महीने का प्रत्येक मंगलवार अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है। कहा ये गया है हमारे धर्म शास्त्र में कि सावन महीने के बड़े मंगलवार के दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बार 11 जुलाई 2023 को सावन महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार पड़ने जा रहा और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए चार लौंग के वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जो अभी हम आपको बताने आ रहे हैं, तो अवश्य ही आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आखिर सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार बोला क्यों जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन महीने के पहले बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से मिले थे। सावन महीने के दूसरे बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। सावन महीने के तीसरे बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज ने महाभारत काल के समय में भीम को हरा करके उसके घमंड को तोड़ा था और सावन महीने के चौथे मंगलवार से हनुमान जी महाराज ने अपने हर भक्तों के संकट को हटना शुरू कर लिया था, जिसके बाद उनका नाम संकट मोचन पड़ा था। देखिए दोस्तों, अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए चार लौंग के वह गुप्त उपाय कर लिए जो अभी हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। कहा जाता है कि सावन महीने के प्रत्येक बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में तो साफ साफ कहा गया है कि जो मंगलवार का दिन होता है ये एक चमत्कारी दिन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के हाथ जोड़ना शुरू कर दे तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हल लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पूजा है वो हनुमान जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको 10, 12, 15, 20 मंगलवार तक अपनी पूजा को सिद्ध करने के लिए पूजा पाठ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इतना समय इंतजार नहीं कर सकते हैं और सिर्फ सावन महीने के बड़े मंगलवार के दिन कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, तो वो हनुमान जी के सामने सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, सावन महीने के प्रत्येक बड़े मंगलवार को जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और दोस्तों, लौंग एक ऐसी चीज है जो हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए चार लौंग के वह गुप्त उपाय कर लिए जो आपको हम बता ना रहे हैं, तो अवश्य ही कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कष्ट हो, दिक्कत हो, दुर्भाग्य हो, वो एक दिन की गई पूजा से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश होता है, आप ये देख रहे हैं कि अब आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है वो लाख प्रयत्न कर ले, लाख कोशिश कर ले, वो अपने जीवन में आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत है और वह गलत निर्णय भी लेगा तो उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा। और मंगल ग्रह के जो स्वामी है वो हनुमान जी महाराज है। और अगर आप बड़े मंगलवार के दिन चार लोगों का गुप्त उपाय करेंगे जो आपको हम बताने रहे हैं, तो आपका मंगल ग्रह आपका इस प्रकार से साथ देगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।
इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही सरल से उपाय हैं, लेकिन बस इनको सही मुहूर्त पर करना है। और अगर आप भी चाहते हैं ये हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिस काम में भी हाथ डालें उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए दोस्तों, अब आपको हम जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं इन उपायों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लोग इन उपायों मुहूर्त पर करेंगे। इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है वो भी अवश्य ही लिख लीजिएगा, ताकि आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और पूरे साल आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय बताने रहे हैं। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले तो उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दोस्तों एक जटा वाला नारियल खरीद करके लाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नारियल में जटा होनी चाहिए। जटा वाला नारियल लाइए, सुबह नहाइए धोइए, नहाने धोने के बाद आप लोग लाल कपड़े का धारण कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। आप लोग एक जटा वाला नारियल लाइए और इस 11 जुलाई 2023 के बड़े मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में ले जाकर के इस नारियल को दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए कि आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। देखिए ये बात आपको पता नहीं होती होगी, लेकिन आपके घर पर कभी कभार ऐसा दोष आ जाता है जिसकी वजह से आपके घर की बरकत भी रुक जाती है, उन्नति भी रुक जाती है। घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश बना रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप एक मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी के दिए में आप लोग सरसों का तेल भर लीजिए। सरसों का तेल भरने के बाद सिंदूर की एक डिबिया ले लीजिए और सुबह नहाने धोने के बाद किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए। वहाँ पर सबसे पहले सिंदूर की डिबिया को इसमें डाल दीजिए जो सरसों का तेल है, और इसी का लेप हनुमान जी को लगा दीजिए। थोड़ा सा उसमें से लेप बचा करके अपने घर पे ले आइएगा और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बना दीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने बड़े मंगलवार के दिन कर लिया, पूरे साल हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा। और मान के चलिए आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति थी वो आपके घर से हट जाइए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो दोस्तों बड़े मंगलवार के दिन उपाय आपको करना है। और इस उपाय को करने के बाद ये आपको हम लिख के दे सकते हैं कि आपकी अवश्य ही मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। आपको एक डिब्बी लेनी है, डिब्बी चाहे आप प्लास्टिक की ले लीजिए, डिब्बी चाहे आप लोग शीशे की ले लीजिए, लेकिन अगर आप हमारा मशवरा मानेंगे या हमारी मतलब आपको सलाह दें, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, लाल डिबिया लीजिएगा। लाल रंग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है, लाल डिबिया ले लीजिए, उसको पूरा लौंग से भर लीजिए। अब आपको सुबह से लेकर के रात के बीच में 11 जुलाई 2023 के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, इस लाल डिबिया को वहाँ पर रखिए, एक चमेली के तेल का दीपक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इस डिब्बी को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआइए और लाकर अपने घर के कमरे में रख दीजिए, जहाँ जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं
वहाँ पर रख दीजिए। आप कभी भी आपका नौकरी का इंटरव्यू पड़ रहा है या आप अपनी नौकरी संबंधित किसी भी कार्य से बाहर निकल रहे हैं, उस डिब्बी से एक लौंग निकाल लीजिएगा और अपनी जेब में रखे रहिएगा। अपनी जेब में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। माना जाता है इतना कंधे भर से आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं आ रही होती हैं वो बाधाएं हट जाती हैं और अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाती है। अब यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए दोस्तों आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपको लाखों रुपए खर्च हो चुका है लेकिन आपको फिर भी कोई भी कामयाबी उसमें नहीं मिल पा रही है कि आपका रोग ठीक हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, आधा किलो बेसन का लड्डू ले लीजिए, चार लौंग ले लीजिए, हनुमान जी के मंदिर चले आइए। आप लोगों को बस यह करना है कि हनुमान जी को आपको बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए, उस चमेली के तेल के दीपक में चार लौंग डाल दीजिए। इतना उपाय अगर आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया जिस बीमारी के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, वह बीमारी सिर्फ इस उपाय से ठीक हो जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय। अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की आपको प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। जैसे एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़े पर चार लौंग, एक रुपए का सिक्का और एक मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर चार लौंग, एक रुपए का सिक्का और एक मुट्ठी चावल रख लीजिए। अब इस कपड़े की बना लीजिए आप लोग पोटली। सुबह से लेकर के रात के बीच में आप लोग 11 जुलाई 2023 के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, सबसे पहले आपको हनुमान जी के सामने एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है। इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआना है और इस पोटली को लाकर के अपने घर में या व्यापारी है तो व्यापारी स्थान पर रख देना है जहाँ से कभी आप पैसा लेन देन करते हैं, बस इस पोटली को वहाँ पर रख दीजिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से अवश्य ही आप मान के चलिए दोस्तों, अवश्य ही आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। जो धन आना बंद हो गया था, धन तो आएगा ही आएगा, धन में वृद्धि भी होगी। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी जीवन में आपने कर्ज लिया था, उस कर्ज के बोझ में आप दबते हुए चले आ रहे थे, आप चाह रहे हैं कि वो कर्ज खत्म हो जाए, तो एक बहुत सरल स्वाम आपको बताने आ रहे हैं। आप लोगों को 11 जुलाई 2023 के दिन एक हनुमान ग्रंथ खरीदनी है जिसको हनुमान चालीसा बोला जाता है। उस हनुमान चालीसा को ग्रंथ को खरीद के लाइए, अपने घर पर लेकर के आना है। इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में अलमारी में रख दीजिए जहां पर आप पैसा जेवरात सोना वगैरह रखते हैं, और प्रत्येक मंगलवार को इसी ग्रंथ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी और हनुमान जी के से आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।